Hello student, so today we continue our chapter microorganisms. Microorganisms के previous lecture में जो हमने study किया था वो क्या discuss कर रहे थे हम disease. Clear? तो हमने क्या discuss की थी जो भी disease microorganisms के through humans के अंदर होती हैं. Okay? तो एक चीज़ और करते हैं जो हमारे disease हैं उनको two categories में divide किया गया communicable and non-communicable disease. Okay? कॉम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं जो डिसीज़ कॉम्युनिकेट करना मतलब बातचीत करना ठीक है मतलब ऐसे कि जिसके साथ आप कांटेक्ट में आ रहे हो जैसे कि अगर आपको हो गया है से अभी का एग्जांपल लेते हैं 2020 में हम सफ़र कर रहे हैं किससे कोरोना वायरस से ठीक है कोरोना वायरस की वजह से आप स्कूल वगैरह नहीं जा पा रहे हो तो ये जो कोरोना वायरस है ये कैसे डिसीज़ है कॉम्युनिकेबल मतलब ये जिसको हो रखी है उससे जो हेल्दी पर्सन है जिसको नहीं है उसको फैल जाती है हो जाती है ना ठीक है तो जो ये है आपकी वो कैसी डिसीज़ है कॉम्युनिकेबल डिसीज़ नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीज़ ऐसी डिसीज़ जो नहीं फैलती जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है दैट्स मीन आपको नहीं मेरे को डायबिटीज़ है अगर ठीक है तो अगर आप मेरे कॉन्टेक्ट में आ रहे हो ठीक है मेरे से शेक हैंड कर रहे हो मेरे साथ खाना खा रहे हो बैठ रहे हो तो वो आपको नहीं होगी ठीक है वो होती है नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीज ओके तो स्टडी करते हैं कॉम्युनिकेबल एंड नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीज कॉम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीज क्लियर सो कॉम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती है डिसीज़ डेट स्प्रेड फ्रॉम डैट स्प्रेड स्प्रेड का मतलब फैलती है स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन जिसको हो रखी है उससे हेल्दी पर्सन को अगर फैल रही है तो वो कौन सी डिसीज़ है आपकी कॉम्युनिकेबल किसके थ्रू थ्रू एयर अगर आप उसने छींका से अगर उसने स्नीच किया या कफिंग की तो जो वायरस है वो फैल के आप तक आएंगे फिर आपको भी हो जाएगा कोल्ड कफ ठीक है एयर वाटर और कॉन्टैक्ट कि कांटेक्ट में आने से जो डिसीज़ फैलती हैं वो कैसी है कॉम्युनिकेबल डिसीज़ ठीक है एग्जांपल देखते हैं अभी अभी हमने डिस्कस किया कोरोना वायरस या फिर कॉमन कोल्ड जुकाम हो जाता है आपको या फिर चिकन पॉक्स किसी को चिकन पॉक्स हो रखा है आप उसके कांटेक्ट में आएंगे उसके रूम में जाएंगे उसको शेक हैंड करेंगे तो आपको भी फैलने के चांसेस हो जाते हैं ठीक है वो होती है आपकी कॉम्युनिकेबल डिसीज डिस्कस करते हैं नॉन कॉम्युनिकेबल डिसीज डिसीज डैट डू नॉट स्प्रेड डैट डू नॉट स्प्रेड From infected person to a healthy person. Through air, water and contact. क्लियर वो डिसीज़ जो स्प्रेड हो जाती है डेट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन वो कौन सी है कॉम्युनिकेबल डिसीज और जो स्प्रेड नहीं होती वो कैसी है नॉन कॉम्युनिकेबल ओके एग्जांपल लेते हैं अभी मैंने आपको बताया था डायबिटीज़ जिसको आप शुगर भी बोलते हो डायबिटीज़ हो गया हार्ट डिसीज़ हो गई कहते हैं ना हार्ट अटैक आ गया उस पर्सन को तो हार्ट डिसीज़ जो होती है किडनी डिसीज़ हो गई किसी की किडनी में स्टोन है बोलते हैं ना पथरी है किडनी में ठीक है तो किडनी डिसीज़ हो गई वो सारी डिसीज़ नहीं फैलती
ओके क्लियर। तो ये थी हमारी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो डिसीज हैं, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस के अंदर करते हैं। पढ़ा था हमने कौन कौन सी थी। अब देख लो, कोरोना वायरस, कॉमन कॉल, चिकन पॉक्स, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस में ही करती हैं, वो एनिमल्स को भी डिसीज़ देती हैं, प्लांट्स को भी देती हैं। ओके, सो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम करते हैं डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, जो प्लांट्स को देती हैं, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनिमल्स के डिसीज। डिसीज्ड कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, क्लियर। तो ह्यूमंस के अंदर तो बहुत सारी डिसीज थी जो हमने पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। एनिमल्स के अंदर जो मेन हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आपके लेवल पे टू डिसीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या होती हैं, एनिमल्स के अंदर आ जाती हैं। तो फर्स्ट है आपकी एंथ्रेक्स और सेकंड है आपकी फुट एंड माउथ डिसीज, मतलब पैर और मुंह में कुछ हो जाता है उनके। जैसे आपके मुंह में हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, बम्स निकलाते हैं ना आपके मुंह में, उसी तरह से एनिमल्स को भी हो जाते हैं और उनके पैरों में भी हो जाते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमारी दो डिसीज हैं एनिमल्स के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के थ्रू क्या हो रही हैं, स्प्रेड हो रही हैं। कौन सी? एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ डिसीज। ओके, जो एंथ्रेक्स डिसीज है वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है? डिसीज कॉज्ड बाय कौन करता है उसको? बैक्टीरिया। ओके, तो बैक्टीरिया की एक एनिमल डिसीज कौन सी है? एंथ्रेक्स, क्लियर। फुट और माउथ डिसीज जो होती है उसको कौन करता है? वायरस। कौन करता है? वायरस एनिमल्स के अंदर, क्लियर। देखो बेटा, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये आपके वन मार्क्स के लिए, जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आप करते हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डिसीज वाले क्वेश्चन, क्लियर। एमसीक्यूज क्वेश्चन कहाँ कहाँ अराइज होते हैं, कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं? आप कोई भी टेस्ट देते हो, जैसे स्कूल से अलग जो भी ओलंपियाड वगैरह के टेस्ट देते हो या फिर गवर्नमेंट जो टेस्ट लेती है, वहाँ पे आपसे एमसीक्यूज ही पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो वहाँ आपसे ऑप्शंस में दे सकते हैं कि एनिमल डिसीज बताओ, माना एंथ्रेक्स दे दिया, कोलेरा दे दिया, चिकन पॉक्स दे दिया, इस तरह से। तो आपको बताना है कि कौन सी है हमारी एनिमल डिसीज। तो कौन सी है? दो हैं, एंथ्रेक्स, फुट एंड माउथ डिसीज। एंथ्रेक्स कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। फुट और माउथ डिसीज कौन कॉज करता है, किसके कारण होती है, कौन सा माइक्रोजम करता है? वायरस, क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट डिसीज। एनिमल डिसीज हमारे 8th क्लास के लेवल पे दो ही हैं, एंथ्रेक्स और फुट एंड माउथ डिसीज, क्लियर। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिसीज इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर भी माइक्रोजम डिसीज कॉज करते हैं, क्लियर। सो प्लांट डिसीज कौन सी है आपके लिए? एनिमल डिसीज दो थी, प्लांट डिसीज तीन है। पहली है आपकी सिट्रस कैंकर। क्या है नाम? सिट्रस कैंकर। ओके, सेकंड है आपकी रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब होता है गेहूं। थर्ड है आपकी येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी, या फिर उसको बोलते हैं ओकरा, क्लियर। येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी, ठीक है। ये तीन डिसीज हैं। कौन कौन सी हैं? पहले आपको नेम लर्न करने हैं कि प्लांट डिसीज हमारे लेवल पे थ्री हैं। कौन सी हैं? सिट्रस कैंकर, रस्ट ऑफ व्हीट,
येलो बीन मोसैको भिंडी, मतलब जो येलो फ्लावर भिंडी की उस पे आता है प्लांट पे, उसमें कोई डिसीज हो जाती है. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इन डिसीज को कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं. तो पहले नेम पता होना चाहिए, रस्ट ऑफ वीट, येलो बीन मोसैको भिंडी या फिर ओखरा करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो किसके थ्रू होती है डिसीज कॉज्ड बाय, इसको करता है बैक्टीरिया. कौन करता है? बैक्टीरिया करता है. और कैसे करता है? थ्रू एयर. मतलब अगर किसी एक प्लांट पे हो गया, ठीक है, एयर के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा सभी जगह और सबको क्या कर देगा, यही डिसीज कर देगा. रस्ट ऑफ वीट की बात करें तो ये वाली डिसीज होती है कॉज्ड बाय फंगी. फंगई बोलते हैं या फिर फंगी बोल सकते हैं आप, फंगई थ्रू. ये भी होती है एयर और सीड के थ्रू, या तो बीज के थ्रू होगी, एक बीज में हो रखी होगी सारी क्रॉप जब ग्रो करेंगे आप तब हो जाएगी, या फिर एयर के थ्रू. जो ये है आपकी येलो बीन मोसैको भिंडी, ये होती है वायरस के थ्रू डिसीज कॉज्ड बाय वायरस. क्लियर, ये वायरस के थ्रू होती है. और कैसे होती है? थ्रू इंसेक्ट. क्लियर, को वायरस करता है और किसके थ्रू करता है? इंसेक्ट के थ्रू. तो ये थी हमारी डिसीज. अब डिसीज हमारी फिनिश हो चुकी है. हमने ह्यूमन डिसीज कर ली, प्लांट डिसीज कर ली, एनिमल डिसीज कर ली और टाइप्स ऑफ डिसीज कर ली. ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यूज के लिए, वन मार्क्स क्वेश्चंस के लिए. आपको सारी डिसीज याद करनी है और किस माइक्रोजन के थ्रू हो रही है वो भी याद करनी है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड पॉइजनिंग. तो अब हम डिस्कस करेंगे फूड पॉइजनिंग को. क्लियर, अब ये फूड पॉइजनिंग क्या है पहले इसको ओरली डिस्कस कर लेते हैं फिर राइट डाउन करेंगे. ओके, फूड पॉइजनिंग क्या है आपका? आप कभी भी मार्केट वगैरह जाते हो तो आप देख के, जैसे वो स्ट्रीट होकर होते हैं जो गलियों में बेचने वाले होते हैं सामान, ठीक है, उनको देख के, या फिर जो रोड साइड लगे होती हैं रेड़ियाँ, उन पे टिक्की, गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर ये सब मिलता रहता है, ठीक है, आपका मन होता है कि ये ले लेते हैं. बट पेरेंट्स क्या करते हैं? मना करते हैं कि नहीं ये नहीं खाना, इससे अच्छा तो मैं उस शॉप से दिलवा दूंगा आपको, बोलते हैं. तो ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या हो सकता है स्ट्रीट फूड खाने से, जो आपको मिल रहा है वो फूड खाने से? देखो मैं ये नहीं कहती कि सभी का हार्मफुल होता है, ठीक है, बट क्या होता है कई बार कि वो फूड ओपन एरिया में रखा है, उस पर आपने पढ़ लिया हाउस फ्लाई हो गए, मॉस्किटो हो गए, जो पैथोजेंस हैं, ठीक है, जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोजम्स हैं, उनको क्या करते हैं? कैरियर्स लेके आते हैं, लेके आते हैं ना, तो वो उन पे बैठेंगे, वो माइक्रोजम उस पे ग्रो करेंगे, उस पे ग्रो करके एक हार्मफुल सब्सटेंस निकालेंगे, जिससे वो खाना क्या बन जाएगा? पॉइजन, मतलब जहर. तो फूड पॉइजनिंग क्या है? एक जहरीला भोजन आपने जो कर लिया, ठीक है, तो क्या होता है, जो माइक्रोजम ग्रो करते हैं आपके फूड पे, कभी कभी वो क्या करते हैं? एक हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करते हैं. वो हार्मफुल सब्सटेंस आपकी बॉडी में गया, उसने फूड पॉइजनिंग कर दी. उस फूड पॉइजनिंग से आप बहुत ज़्यादा बीमार भी हो सकते हैं बिल्कुल, और आपकी डेथ भी हो सकती है. दैट्स मीन, ठीक है, वो गंदा खाना खाने से, वो पॉइजन फूड खाने से. और सबसे पहला सिम्टम्स जो है फूड पॉइजनिंग का, वो होता है स्टमक पेन. कुछ खाया खराब तो हो गया पेट में दर्द, हो जाता है, मम्मी कहेगी मैंने मना किया था ना ये नहीं खाना, इस तरह से. ओके, तो फूड पॉइजनिंग है क्या उसको डिस्कस करते हैं. ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कैसे कैसे बीमार करते हैं वो भी देख लीजिए. फूड पॉइजनिंग से भी कर सकते हैं, हेल्पफुल भी है हमारे लिए. हमने वो भी पढ़ा है कि वैक्सीन बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, कर्ड बनाने में, केक्स बनाने में हेल्पफुल है, ठीक है, बट हार्मफुल भी है. ओके, सो फूड पॉइजनिंग करते हैं, क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैट
grow on our food, on food, sometimes release harmful, toxic substance in it that cause food poisoning. Food poisoning. ओके तो क्या है हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जब वो ग्रो करते हैं मतलब उसके ऊपर पैदा होते हैं ऑन फूड समटाइम्स मतलब कभी कभी हर बार की बात नहीं कर रहे हैं कभी कभी रिलीज रिलीज का मतलब होता है निकालना निकालते हैं हार्मफुल जहरी मतलब हार्मफुल का मतलब खतरनाक अच्छे नहीं जो हमारे टॉक्सिक मतलब जहरीले सब्सटेंस उसमें ठीक है जिससे हमारे क्या हो जाता है हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है ओके इसका क्या रिजल्ट होता है ओके इट रिजल्ट्स इन सीरियस इलनेस इससे क्या होगा हम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे ठीक है बहुत ज़्यादा भयानक बीमार भी हो सकते हैं एंड इवन डेथ और डेथ भी हो सकती है जिस पर्सन के अंदर फूड पॉइजनिंग हो गई ठीक है और फर्स्ट सिम्टम क्या होता है आपका फूड पॉइजनिंग का क्या डिस्कस किया था हमने फर्स्ट सिम्टम है आपका स्टमक पेन पेट में दर्द स्टार्ट हो जाएगा ओके क्लियर तो फूड पॉइजनिंग क्या था कि जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ठीक है ग्रो करते हैं हमारे फूड पे तो कभी कभी हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएंगे हम या फिर डेथ हो सकती है और पहला सिम्टम क्या होता है उसका जो मेन फर्स्ट सिम्टम है वो क्या होता है भाई स्टमक पेन सबसे मेन क्लियर पेट में दर्द शुरू हो जाता है अब हम बात करते हैं कि फूड पॉइजनिंग से क्या हम अपने फूड को बचा सकते हैं बिल्कुल बचा सकते हैं उसका क्या है वो होता है फूड प्रिजर्वेशन प्रिजर्व करना मतलब उसको सुरक्षित रखना उसको बचा के रखना क्लियर तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे बचा सकते हैं अपने खाने को फूड पॉइजनिंग से तो उसको क्या बोलेंगे फूड प्रिजर्वेशन मतलब खाने को खराब होने से बचाना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो खराब कर रहे हैं उनसे तो नेक्स्ट इज फूड प्रिजर्वेशन प्रिजर्व करना मतलब सुरक्षित रखना बचाना प्रोटेक्ट करना ओके प्रिवेंट करना रोकना खाने को खराब नहीं होने देना तो क्या है प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज ऑफ फूड स्पॉइल होना मतलब खराब होना स्पॉइलेज प्रिवेंटिंग स्पॉइलेज ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके एक्शन से जो उन्होंने काम किया उसके एक्शन से हमें बचाना है अपने खाने को तो उसको क्या बोलेंगे हम फूड प्रिजर्वेशन क्लियर तो क्या है वो प्रोसेस जिसमें हम रोकते हैं बचाते हैं